गाइस गुड एक मिनट आवाज बंद कर दूं, नोबिता चल रहा है। हाँ, सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन वोमेन बेबी ट्रू बी। और शक्ल देख के देखिए, काजल पूरा निकाल दिया है मैंने। क्यों? मेरे सर में बहुत बहुत ज्यादा वाला पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सो जस्ट अभी मैं यहाँ पे नोटबुक जो है वो रखी है। मैं अपना जब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ तो मैं देखती हूँ किसने बोला है, मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उनका नाम लेने के लिए, तो मैं साथ के साथ नोट कर लेती हूँ। तो वो किया है और टैनी को अभी जिस दूध और बिस्किट खिला के मैंने बाहर मोहिनी जी के साथ बोला है कि उसको बाहर लेके जाओ और उसका वो जो बोर्ड है लिखने का बोर्ड है वो वहाँ रखा हुआ है। और अभी भी मेरा दर्द कम नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है और बता नहीं सकती। और कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और आज का वीडियो बहुत लेट हो गया था। मतलब क्या हुआ था कि मैं एडिटिंग कर रही थी और मुझे एक मैसेज आया, तो मैसेज मैंने बीच में ओपन कर लिया और एडिटिंग मेरा पूरा ख़राब हो गया। तो फिर से एडिटिंग किया, इसलिए मेरा जो वीडियो था वो पूरा 20 मिनट्स लेट गया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं टाइम से पंचुअल रहना चाहती हूँ। मैं जानबूझ कर रही हूँ, बात अलग है, लेकिन अगर मेरा टाइम से अनजाने में ज़्यादा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जानबूझ के कर रही हूँ तो हाँ, मुझे पता है कि मैं कर रही हूँ लेट तो हो जाता है। और देखिए आप लोग, मैं कुछ ही नहीं लगा रही हूँ फेस पे, और फेस देखिए आप लोग कितना ग्लो करता जा रहा है, राइट? तो वो जो क्रीम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, आई थिंक बहुत लोगों ने चेकआउट किया होगा, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए और मेरी तरह अपनी स्किन भी तैयार कर लीजिए। सच्ची में देखिए, मुझे भी फर्क दिख रहा है, राइट? एक मिनट, कौन आया? कोई नहीं। सो मेरा जो सर का दर्द है वो बंद ही नहीं होना चाह रहा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ बंद हो जाए। मैंने यहाँ तक की टैबलेट भी ले लिया ताकि मेरा दर्द ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहा। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और टैनी को खिलाने की कोशिश की है, अब खिलाती हूँ, टैनी फिर भी नहीं खाई। लेकिन अभी उसने थोड़ा सा दूध और 2-3 बिस्किट खा लिए तो मुझे अच्छा लगा, चलो थोड़ा बहुत तो खा ही लेती है तो मुझे अच्छा लगा। और मैं सुबह बीच की हेयर स्टाइल करी थी जब व्लॉग गया, आपने देखा होगा लास्ट में, और अभी साइड में कर लिया। और लोग बोलते हैं दीदी आप बीच की मांग में ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो थैंक यू। और जो आज का व्लॉग था, मैंने कुछ अलग तरीके से वो किया था, मतलब अलग तरीके से किया था, बैक वॉइस दिया था मैंने उसमें और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। सो चलिए फिर मैं पहले नाम ले देती हूँ, अभी ले दूँ नहीं, मैं पहले इकट्ठा कर लेती हूँ, 5-6 नाम इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद मैं इकट्ठा लूँगी, क्योंकि बार बार लेना अच्छा नहीं लगता। एक बार मैं सबको हाय बोल दूँगी तो बार बार बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, पहले नाम कलेक्ट कर लूँ उसके बाद, ठीक है? तो गाइज मैं, मुझे लग रही है अभी शाम को बहुत भूख, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ सनफीस्ट का पास्ता, और म्यूनिस पास्ता है ये, वाइट सॉस वगैरह ऐड है इसमें, और खा रही हूँ मैं। मैंने अभी ज़्यादा कभी इस तरीके का खाया नहीं, 1-2 बार पहले खाया था, तब से अभी टेस्ट कर रही हूँ। तो सानू को देख के आई हूँ थोड़ा सा, और मैं खा रही हूँ। टहनी गई है बाहर अपनी बुआ के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने, और ये तो है ही नहीं, स्टेडियम गए हैं, नाइट में आएंगे ये। सो पहले मैं खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है मेरे को, है ना? ओके गाइस, सो सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, खाना पीना खा लिया, मतलब खाना क्या, मैंने जो मुझे खा रही थी मैंने अभी आपको दिखाया वो खा लिया है। और अभी मैं बैठी हूँ आप लोगों से एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। जी हाँ, मैं काफ़ी अपनी एनिवर्सरी के एक दिन पहले ही मैं ये टॉपिक आप लोगों को बताना चाह रही थी, बट नहीं बता पाई, क्योंकि उस दिन मेरा वीडियो जा चुका था और उसके दूसरे दिन से एनिवर्सरी एंड ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं नहीं बता पाई। तो आज से 3 तारीख, और मैंने आप लोगों ने जो टाइटल देखा, प्रेगनेंसी अगेन, जी हाँ, ये प्रेगनेंसी अगेन की ही बात है। और क्या है ये मैं बताती हूँ। मेरी मौसी हैं जिनकी शादी मेरे बाद हुई है, लेकिन क्योंकि उनको शादी में पहले इंटरेस्ट नहीं था तो शादी उनकी लेट हुई है। और होता है ना कभी कभी कि जब लिखा होता है बंदा होता है तभी होता है वो काम, तो उनकी शादी लेट हुई है, तो उनको जो फर्स्ट बेबी हुआ था वो हुई थी बेबी गर्ल, उनको लास्ट नवंबर में हुई थी बेबी गर्ल, वो पहले ही हो गई थी 7 मंथ में आई थिंक,
तो वो बेबी गर्ल जो थी वो मतलब इस दुनिया में अब नहीं है, एक टाइम पे अचानक हुई थी। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपनी, आप लोग समझ गए होंगे, मैं अपनी मौसी के बच्चे की बात कर रही हूँ। देन अगेन आफ्टर उनको प्रेगनेंसी हुई, यानी कि अगेन प्रेगनेंसी। तो अगेन प्रेगनेंसी होने के बाद से उन्होंने ज़्यादा मतलब, पहले वो क्या, वो सिंगर हैं तो गाना वाना गाती थी, तो इसकी वजह से उनका जो आई थिंक क्या हुआ था फर्स्ट टाइम में, ठीक से मुझे याद भी नहीं है। मतलब उन्होंने मंदिर में गई थी तो गाना वाना गाया था, और वहाँ से आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी वजह से देखा कि बच्चे के अंदर जो है पानी वानी भर गया था ऐसा, या जो पानी की थैली होती है वो फट गई थी, ऐसा कुछ हुआ था उनका। सो देन अगेन उनको प्रेगनेंसी हुई और ज़्यादा नहीं पता था। आफ्टर हमें ये भी नहीं पता, मतलब आफ्टर कह रही हूँ, हमें ये भी तक नहीं पता था कि कब उनकी डिलीवरी होने वाली है। हमने ज़्यादा नहीं की, खुशी नहीं करी थी इस चीज़ को लेके। लेकिन फाइनली ये खुशी मुझे 30 तारीख को पता चली कि उनको बेबी बॉय हुआ है अगेन प्रेगनेंसी में। ये मतलब दोबारा प्रेगनेंसी, जब वो हुई प्रेगनेंट हुई तो उनको बेबी बॉय हुआ है, और वो 30 तारीख को हुआ था। और मुझे उसी दिन खुशखबरी मिली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ये सुन के। सो मेरी मौसी का नाम है सपना, सपना जैन। तो प्लीज़ आप लोग उनको कांग्रेस करें और उनके बेबी के लिए प्रे करें कि उनका बेबी जो इस दुनिया में अभी भी नहीं हुआ है, यानी कि मेरा छोटा सा भाई आया है, उसको खुशियाँ मिले बहुत सारी और बहुत अच्छा बंदा बने वो, मतलब अच्छा बच्चा बने, बंदा तो बड़ा हो जाएगा, अच्छा बच्चा बने वो। और उसको बहुत सारी विशेष की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी अभी इस दुनिया में आया है, और अच्छा सही सलामत। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी होने के बाद बहुत कम बेबी ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैं चाहती हूँ उसको कोई बीमारी ना हो। आप लोगों की अगर विशेष मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। और कांग्रेस तो वैसे भी हम सबको बोलते ही हैं, तो अगर उनके लिए अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अगर कि कॉन्ग्रेचुलेशन सपना जी करके, या सपना कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी चीज के ऊपर ये टॉपिक है प्रेगनेंसी अगेन। और जिनके दिमाग में ये आएगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो निकाल देना। आई नो आप लोग यही सोचोगे कि मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज को सुनकर कि जो मतलब उम्मीद नहीं थी ना, क्योंकि एक तो उनकी बहुत एज हो गई थी और फर्स्ट बेबी ऐसा हो गया, तो टूट गई थी वो बहुत बुरी तरह से, और टेनी उस टाइम पे बहुत छोटी थी। और मैं उनके घर पे फर्स्ट टाइम गई तो बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुशी, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो बस यही है एक बात जो मुझे आप लोगों को शायद शेयर, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो मैं भी बोलती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन मौसी, सपना मौसी। सो प्लीज आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दिमाग से निकाल देना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। और इस चीज को नेगेटिव मत ले जाना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उनको मैंने ये मैसेज दिया है। और मैंने उनको बोला भी था मैं आपको अपने ब्लॉग में आपका नाम लेके आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये मुझे एक्चुअली क्या हुआ था, 31 को न्यूज मिली, 31 को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी गया, और 1 तारीख को मेरा एनिवर्सरी डे जो मैंने किया था वो गया, और आज ये ब्लॉग गया। मुझे इसी ब्लॉग में बता देना चाहिए था पर मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, और अभी फिर मैंने ये बताया। सो गाइज यही न्यूज है, और बाकी का मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ फिर से, ठीक है। सो बाय गाइज, मैं अभी लेने वाली हूँ नाम। तो 3 नाम का रिक्वेस्ट आया है। तो पहला जो नाम है वो नाम है केशव पानीकर, वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके बेटे का नाम है। सो हाय केशव बेबी। एंड दूसरी है काजल, जो मेरी सब्सक्राइबर है, उनकी बेबी का नाम है खुशी। सो हाय खुशी। एंड एक और मेरी स्वीट सब्सक्राइबर हैं जिनकी बेटी का नाम है नादिया। सो हाय नादिया। सो आजकल मैं बच्चों के नाम लेना बड़ा अच्छा लग रहा है। सो हाय क्यूटीज गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया अपना नाम लेने के लिए, क्योंकि बेबीज बड़ों का तो पता नहीं, पर बेबीज का नाम लेके और अगर उनको खुशी मिलती है तो बच्चों को खुश करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। एंड जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि मेरी जो मौसी को बेबी आए, तो उनको जो प्रेगनेंसी अगेन होके जो खुशी मिली है ना, मतलब अगेन उनको प्रेग्नेंट हुई, अगेन उनकी जो प्रेगनेंसी की स्टोरी रही जो सब है, उनको बहुत खुशी हुई। एंड
दूसरी चीज ये है कि उनका जो बेबी हुआ था वो सेम टेनी के टाइम पे हुआ। टेनी भी साढ़े आठ महीने के अंदर हो गई थी, नौ स्टार्ट होने वाला था, नौ हुआ नहीं था स्टार्ट। और उनका भी बेबी सेम हुआ और सेम टाइम पे, टेनी भी मॉर्निंग में हुई, ये भी मॉर्निंग में हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आउच, पता नहीं क्या हो गया है मेरे पैर में। टीवी चल रही है, टीवी देख रही हूँ, नागिन आने वाला है, 8 बजने वाले हैं अभी, और अभी बजे नहीं है 8, बस बजने वाले हैं थोड़ी देर में। देखेंगे हम अपना नागिन। तो गाइस हंसिएगा मत मेरे बालों को देख के, क्योंकि अभी सुबह हुई है और सुबह सुबह उठ के आके मैं यहाँ पे क्लचर लेने आई हूँ। रात को क्लचर नहीं ले पाई थी तो क्लचर लेने आई हूँ, और क्लचर लगा के मैं बाल फोल्ड कर लूँगी। और अभी पंखा जस्ट बंद किया है मैंने, रात को गर्मी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए अभी पंखा चलने लगे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। मैंने अपने बाल को फोल्ड कर लिया है, बन बना लिया है अपने बालों का। और उधर गई हूँ मैं अपनी चप्पल्स यानी कि स्लीपर जो रात को मैं उतार के रखती हूँ वो पहनने, और बस जस्ट उठी ही हूँ, आँखें मिट रही हूँ अपने दोनों, और देखो जमाई भी ले रही हूँ साथ में, और हल्की सी ठंड अभी लगी तो दुपट्टा इस तरीके से मैं सुबह ले लेती हूँ। वैसे दिन में ठंड नहीं देती है, बट ना हो नहीं ऐसे जैसे सोकर उठो तो ठंड लग। तो चलिए आज तुम्हें मैं आप लोगों को मैं हॉल रूम में ले जाती हूँ। हॉल रूम में पूरा अंधेरा है, कोई है नहीं है घर में, और ये विंडो मैं ओपन करूँगी तो उजाला हो जाएगा। ये हमारे घर का बाहर का व्यू है और ज़्यादा खास और ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैं सीधा हॉल रूम में जाती हूँ। उठने के बाद अपना ब्रश करती हूँ तो मैंने वहाँ ब्रश रखते हैं, वहाँ उठा लिया है मैंने ब्रश, और वो सामने भी एक विंडो ओपन कर दी है। विंडो ओपन करने से ही बहुत सारी रोशनी आ जाती है, तो दिन में लाइट की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत पड़ती ही नहीं, सिर्फ रात को ही लाइट जलाई जाती है हॉल रूम में। तो फिर मैं अपना ब्रश और करके ऐसे करते हैं ना ब्रश में, तो वो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और पीछे सो रहे हैं मेरे देवर, और वो ही सो रहे थे बस, और कोई है नहीं है घर में। इधर मेरे हस्बैंड वगैरह रूम में सो रहे हैं, मैंने सोचा चलो शूट किया जाए तो चारों तरफ से दिखा देती हूँ हॉल रूम। सामने रखी टीवी, फ्रिज रखा ही, हमारा पुराना फ्रिज है, नई फ्रिज वो सामने ऊपर जाके रखा हुआ है इधर साइड में। और वो सामने जो रूम है वो मेरी सिस्टर का रूम था, उसके बगल में रूम है और किचन है, वो मेरे रूम है। और ये सारा हॉल रूम है बड़ा, इसी में हमारा जो वॉशरूम है वो यहाँ पे है। और मेरा ब्रश हो गया, बस पानी का बॉटल उठा के कुल्ला कर लेते हैं पानी से। वॉच में देखिए 9:45 बज रहे हैं, मैं भी गलत फहमी में थी, ये वॉच जो है वो बंद हो गई है, वो 9:45 बजे, वो मतलब टाइम गलत दिखा रही है उस घड़ी में। आप गाइज बहुत दिन हो गए थे छत पे से ब्लॉग ना स्टार्ट किया था ना एंड किया था, और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। नो मेकअप फेस है मेरा, और मैं बाल भी नहीं बनाए मैंने, और सीधा मैं नहा के आके सीधा अपना छत पे कपड़ा डालने आती हूँ, ताकि इससे थोड़ा सा धूप भी मिल जाता है और कपड़े भी डालना हो जाता है। ये एक फिर अगर क्या होता है कि अगर मैं मेकअप वगैरह मतलब तैयार होने में लग जाती हूँ मेकअप करने में, तो मैं फिर भूल जाती हूँ, फिर उसके बाद काम पे काम याद आ जाता है। सो ये देखिए सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से धो दिए, इनके भी धो दिए हैं, और इधर टैनी के भी डाल दिए। ऐसे पलंग खाली पड़ा रहता है ना, तो उस पर टैनी के कपड़े डाल दिए, उधर उनका जींस डाल दिया है, क्योंकि उस साइड धूप ना शाम तक रहती है, तो वो जींस थोड़ा टाइम लेती है सूखने में। तो इनके कपड़े भी मैंने इसलिए हाथ से धो दिए क्योंकि इनको जाना है, देखो कल शायद ये चले जाएंगे, बाहर जा रहे हैं, तो ये बाहर जाएंगे और
2 दिन बाद आएंगे तो कपड़े तो चाहिए रहते हैं, और प्लस वहाँ पे जो कपड़े टंगे रहते हैं मतलब वहाँ पे और दीवार पे, तो लोगों को बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, गंदा लगता है अब तो। मैंने सोचा क्यों ना कपड़े हाथ के धोकर डा दिया जाए, मैं मशीन के लिए वहाँ टांग के रखती हूँ, तो अब मैंने सोचा मैं हाथ से ही धोकर डा दूँ, और जीन्स धोते धोते दम निकल जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मेरा ये वाला हाथ बहुत दुखने लगा। सो गाइस, ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और इस ब्लॉग को मैंने सोचा है छत पे ही एंड कर देते हैं। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़, और उससे भी नेक्स्ट में आएगी उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़। सो देखना बिल्कुल मत भूलेगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट वाला, ठीक है। सो चलिए, इस ब्लॉग को आज मैं यही एंड करती हूँ, और हम ब्लॉगर की यही लाइफ है, अब मुझे पता चलता है। पहले मैं ये सोचती थी यार कैसे लोग ये यूट्यूब वाले कैसे कर लेते हैं, ब्लॉगर्स लोग जो होते हैं कि एक ब्लॉग एंड किया दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया, एक ब्लॉग एंड किया दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, कैसे कर लेते हैं। अब मुझे समझ में आने लगा है अच्छे से कि कैसे ये सारे लोग जो थे वो कैसे सॉरी सॉरी, तो मैंने सोचा कैसे ये लोग कर लेते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है सारा कुछ। और अब ये ब्लॉग एंड करना है, दूसरा भी तो स्टार्ट करना है ना मेरे को, तो दूसरे ब्लॉग में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो देखना बिल्कुल मत भूलेगा। सो बाय बाय, और जो जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। सो बाय, मैं बाल्टी उठा लूँ अपनी।